हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवेंचर अर्थ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बाबा केदारनाथ जी के मंदिर के बारे में, जहाँ अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक बार जाना चाहता है। बताने वाले हैं आज आपको। दोस्तों, आप भी अगर केदारनाथ जाने का योजना बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा केदारनाथ जाने का क्या क्या साधन है, कुल कितना खर्चा आएगा, खाने की व्यवस्था क्या है और कहाँ रहना है, और हम कहाँ कहाँ रुके और हम कहाँ कहाँ घूमें, और साथ ही साथ वहाँ पे जो पैदल नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे कहाँ से बुक करें और कहाँ वो आपको मिलेंगे। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में मेरे साथ। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको पूरी प्लानिंग कि आप अगर प्लानिंग कर रहे हो जाने की तो कहाँ से कैसे क्या करना है आपको। पूरी प्लानिंग के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज की केदारनाथ कैसे पहुँचें। केदारनाथ पहुँचने के लिए दोस्तों, मैं पहले बात करूँ तो ट्रेन की, जिसमें ट्रेन से आपके तीन साधन हैं। एक है हरिद्वार रेलवे स्टेशन, दूसरा देहरादून रेलवे स्टेशन, तीसरा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन अगर आप आते हैं तो आपको बस का 30 किलोमीटर का सफ़र कम पड़ जाएगा, लेकिन आप देहरादून और हरिद्वार अगर आते हैं तो लगभग लगभग आपको सेम डिस्टेंस पड़ जाएगा। दोस्तों, अगर आप 30 किलोमीटर का सफ़र अगर कम करना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ऋषिकेश पहुंचिए, ऋषिकेश के बाद आप आगे जाइए, ताकि 30 किलोमीटर का सफ़र आपका कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे आपके आपकी सिटी से अगर ऋषिकेश तक का आपका रेल का साधन नहीं बैठता है तो आपको रिकमेंड करूँगा हरिद्वार का। हरिद्वार तक आप आइए, क्योंकि हरिद्वार तक अपनी सारी प्रमुख ट्रेनें जो भी है वो आती है, क्योंकि ऋषिकेश तक सारी प्रमुख ट्रेनें नहीं आती। बाकी आपकी आपकी सिटी से आप देख लीजिए कि आपको हरिद्वार सही रहेगा या देहरादून, तो आप उसी हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए। सो दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए ट्रेन का सफ़र सिर्फ यहीं तक संभव है, इससे आगे का सफ़र हमें बस से ट्रेवल करना पड़ेगा। दोस्तों, केदारनाथ पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले सोनप्रयाग पहुँचना होगा। सोनप्रयाग के लिए तीनों ही रेलवे स्टेशन से बस उपलब्ध है। तीनों ही रेलवे स्टेशन से बस सीधी सोनप्रयाग के लिए जाती है। देहरादून से भी आपको बस मिलेगी सोनप्रयाग के लिए, हरिद्वार से भी बस मिल जाएगी और ऋषिकेश से भी आपको बस मिल जाएगी। दोस्तों, अगर केदारनाथ पहुंचने के लिए आप बाय फ्लाइट आना चाहते हो तो देहरादून में एयरपोर्ट है, आप अपने सिटी से देख लीजिए। अगर आपकी सिटी से सीधी फ्लाइट देहरादून के लिए आती है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बाय फ्लाइट देहरादून तक आ सकते हो, और अगर आपकी फ्लाइट आपकी सिटी से फ्लाइट देहरादून तक नहीं आती है तो आप पाया दिल्ली होके फिर देहरादून आ सकते हो। दोस्तों, फ्लाइट का सफ़र भी आपका देहरादून तक ही आप कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद आपको बाई बस या बाई कार आपको सोनप्रयाग तक जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी जो है 230 किलोमीटर पड़ेगी, और देहरादून से अगर मैं बात करता हूँ तो देहरादून से सोनप्रयाग की दूरी है वो लगभग 250 किलोमीटर है, और ऋषिकेश से अगर हम बात करते हैं तो 210 किलोमीटर की दूरी है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप बाई बस से सफ़र करना चाहते हो, सफ़र कम करना चाहते हो, तो आप ऋषिकेश तक आइए। ऋषिकेश तक मैं रिकमेंड कर आपको करूँगा कि ऋषिकेश से अगर आप बस से सफ़र करते हो तो आपका तकरीबन 20-30 किलोमीटर का सफ़र जो है वो कम हो जाएगा। ये आप बाई बस के द्वारा सफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सोनप्रयाग के लिए जो बस लेंगे उसकी टाइमिंग क्या होगी। दोस्तों, आप चाहे सोनप्रयाग के लिए जो बस लेने वाले हो वो चाहे हरिद्वार से लो, चाहे देहरादून से लो, चाहे ऋषिकेश से लो, उनकी टाइमिंग जो है वो 5 बजे से शाम को 7 बजे तक सेम होगी, और तीनों ही जगह से आपको हर टाइम बस अवेलेबल होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बस की टिकट हम कैसे लें, बस की टिकट ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, या कहां से हमें मिलेगी, कैसे हमें मिलेगी। दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बस की जो टिकट है वो ऑनलाइन पहले ही बुक कर लें। दोस्तों, हरिद्वार में अगर आप टिकट लेना चाहते हो तो ऑनलाइन एजेंट बहुत है जहाँ से आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो, और अगर ऑनलाइन ही करना चाहते हो तो पास ही में आपको बस स्टैंड है, जहाँ बस स्टैंड पे आप जाके वहाँ से भी आप ऑफलाइन टिकट ले सकते हो। और ऑनलाइन अगर आप बुक करवाना चाहते हो तो किसी भी एजेंट से आप ऑनलाइन बुक करवा लो, अपना समय देख के कि हमें कितने बजे सोनप्रयाग के लिए निकलना है, उतनी बजे की आप टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हो, और ऑफलाइन भी आपको बस स्टैंड पर आपको ऑफलाइन भी टिकट मिल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, आपको ऋषिकेश और देहरादून वहाँ पे भी ऑफलाइन टिकट मिल जाएगी। जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर आप निकलोगे, बाहर निकलते ही बहुत से काउंटर बने हुए हैं जहाँ पे आपको ऑफलाइन टिकट मिल जाएगी, और अगर ऑनलाइन करवाना चाहते हो तो बहुत से एजेंट है जहाँ पे बस बुकिंग शॉप होती है, वहाँ से आप ये टिकट बुक करवा सकते हो।
दोस्तों यहाँ पे एक समस्या आती है जो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आप ऑफलाइन टिकट ले रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पीछे की टिकट मिल जाती है, बीच की टिकट मिल जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी वोमिटिंग होने की शिकायत जो है वो होती है। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफलाइन तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको आगे की टिकट मिलना। इसलिए आप ऑनलाइन टिकट बुक कराएं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करा के और आगे की टिकट आप ले सकते हो। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको ऑनलाइन टिकट बुक करने में थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, बट आपको अपनी मनपसंद टिकट, मनपसंद सीट जो है वो मिल जाएगी। सो दोस्तों अभी मैं हम बात करते हैं कि आपको सोनप्रयाग के लिए जो बस आप ऋषिकेश से लेने वाले हो उसकी टिकट कितनी की पड़ेगी, उसका चार्जेस कितना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ऋषिकेश से आप सोनप्रयाग के लिए बस बुक करते हो ऑफलाइन जाके तो आपको 350 रुपये की टिकट पड़ेगी, और अगर आप यही टिकट ऑनलाइन जाके बुक करते हो तो आपको तकरीबन 500 रुपये की टिकट पड़ेगी। और दोस्तों मैं एसी बस की बात करूँ तो एसी बस में आपका यही किराया जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑफलाइन जाकर अगर एसी बस आप बुक करोगे तो उसका तकरीबन 500 रुपये पर पर्सन आपको किराया पड़ेगा, और अगर यही बस की आप ऑनलाइन टिकट बुक करोगे तो आपको 700 पर पर्सन पड़ेगा। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने पर्सनल व्हीकल की। पर्सनल व्हीकल से अगर हम आपको आना है तो आप ये दूरी जो है वो सोनप्रयाग तक तय कर सकते हो, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोनप्रयाग तक आप अपनी पर्सनल व्हीकल को जो है ले जा सकते हो, और उसके बाद जो आपको ये चढ़ाई है वो आपको पैदल करनी पड़ेगी या फिर भाई हेलीकॉप्टर आप कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद व्हीकल नहीं ले जाने दिया जाता। सोनप्रयाग में बहुत बड़ी पार्किंग है, उस पार्किंग में आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो अगर आप पैदल जा रहे हो तो। अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो वहाँ पे हर 10 किलोमीटर के बाद आपको रास्ते में हेलीपैड मिलते रहेंगे, और हेलीपैड के बाहर भी आप अपनी कार पार्किंग कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे सेफ है। मैंने भी एक बार ऑलरेडी वहाँ पे पार्क कर चुका हूँ। सो आप अगर हेलीपैड से जाते हो, हेलीकॉप्टर से जाते हो, तो हेलीपैड के बाहर ही कहीं भी आप जगह देख कर और पार्क कर सकते हो, जहाँ से आप हेलीकॉप्टर के द्वारा केदारनाथ तक पहुँच सकते हो। और अगर आप अपनी कार को सोनप्रयाग में पार्किंग करना चाहते हो तो वहाँ पे 24 आवर्स का जो किराया है वो 50 रुपये है, जो 50 रुपये देकर आप 24 घंटे के लिए अपनी कार को वहाँ पे पार्क कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको सोनप्रयाग में रात हो जाती है और रात को आप चढ़ाई नहीं करना चाहते हो या केदारनाथ नहीं जाना चाहते हो तो सोनप्रयाग में आप होटल लेके रुक भी सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन से मौसम में, कौन से समय पे, कौन से टाइम पे आप केदारनाथ जाओ, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि केदारनाथ जी का जो मंदिर है वो 6 से 7 महीने के लिए उसके कपाट जो है वो ओपन होते हैं, और 6 से 7 महीने के बाद दीपावली के बाद में वो कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के अंदर वो खुलते हैं और अक्टूबर नवंबर के अंदर बंद हो जाते हैं। तो उसमें जो अच्छा समय है वो कौन सा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो आप एकदम साफ मौसम में जाना चाहते हो तो मेरा मानना यही कि आप अप्रैल से मई के महीने में जाए, और अगर आप बारिश के दिनों में जाना चाहते हो तो बारिश के टाइम पर आप जून जुलाई में जा सकते हो, क्योंकि बारिश के टाइम पर थोड़ा बहुत खतरा रहता है लैंडस्लाइडिंग का, और ऐसा कुछ जो घटना है वो होती रहती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप बारिश के मौसम में ना जाकर अप्रैल मई में, और अगर स्नो टाइम पे आप जाना चाहते हो, बर्फ़ देखना चाहते हो या स्नो गिरती हुई देखना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अक्टूबर महीने में जाएं, जहां पे आपको स्नो भी देखने को मिलेगी। मई और जून में दोस्तों वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि मई और जून जो है वो छुट्टियों का समय होता है, तो इस समय पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि सब लोग वहाँ की यात्रा करते हैं और बारिश का मौसम भी नहीं रहता, इसलिए सब लोग जाते हैं, और वहाँ पे किराया भी आपको ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप जाना चाहो तो सितंबर अक्टूबर में आप जाओ, जहाँ पे भीड़ भी कम होगी और बारिश भी नहीं होगी, क्योंकि बारिश के टाइम पर आपको पता है कि वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का बहुत बहुत खतरा बना रहता है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि सोनप्रयाग में आप स्टे अगर करना चाहते हो तो आपको होटल का जो किराया है वो 800 से 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा। थोड़ी बहुत अगर आप बार्गेनिंग करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, और अगर आप मई जून में जाते हो तो इसी का किराया आपको बढ़कर 3 से 4 हज़ार रुपये हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये 1000 रुपये भी ज़्यादा लग रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन अपने पास है डॉर्मेट्री, जो आपको जिसका किराया आपको 24 घंटे का 350 रुपये पर पर्सन पड़ेगा, क्योंकि डॉर्मेट्री में ये काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध है हमारे सोनप्रयाग में, जो आपको वहाँ पे 350 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। ये 350 रुपये भी अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, जो है हॉल का ऑप्शन, जो आपको हॉल वहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे बेड लगे होंगे। हॉल आपको मिल जाएगा दोस्तों, तो उसमें हॉल में बहुत सारे गद्दे लगे होते हैं, उन गद्दों का जो किराया है वो आपको 100 रुपये पर पर्सन आपको पड़ेगा। रही बात दोस्तों सामान रखने की, तो आपको क्लॉक रूम भी दे दिया जाएगा जिसमें आप अपना कीमती सामान भी रख सकते हो, लॉकर जिसे हम बोलते हैं वो लॉकर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा 100 रुपये में, और आपको रजाई भी दी जाएगी, और 100 रुपये में आप लॉकर भी ले सकते हो, लॉकर में अपना कीमती जो सामान है वो रख के आप वहाँ पे सो सकते हो।
अब हम बात करेंगे दोस्तों सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर में कैसे पहुंचे। तो इसके लिए जो आपको मैं तीन आपको तरीके में बताने वाला हूं जिससे आप पहुंच सकते हो। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप बाई हेलीकॉप्टर के द्वारा सोनप्रयाग से सीधा केदारनाथ मंदिर के सामने आप लैंड कर सकते हो, क्योंकि आप हेलीकॉप्टर से अगर आप जाते हो तो उसका किराया समथिंग आपको 5,500 रुपये पर पर्सन पड़ेगा जाने का और आने का। दोनों साइड के आपके 5,500 रुपये आपसे लिए जाएंगे, जिसमें पहले दिन आपको ले जाया जाएगा और उसके अगले दिन आपको वापस लाया जाएगा। ये पहला आपको जरिया है जिसके द्वारा आप केदारनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हो। और दूसरा जरिया मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सोनप्रयाग से सबसे पहले पहुंचेंगे आप गौरीकुंड। गौरीकुंड की जो दूरी है वो सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की है, और वहाँ 5 किलोमीटर आप बाइक खच्चर के द्वारा जा सकते हो। और दूसरा आपको विकल्प है वो है बाई टैक्सी, कि आप सोनप्रयाग से टैक्सी लेकर भी आप गौरीकुंड तक जा सकते हो। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे प्राइवेट टैक्सी, जो प्राइवेट अपनी पर्सनल व्हीकल है, वो वहाँ पे नहीं जाते हैं। वहीं के जो व्हीकल है, जो सूमो है, जो बोलेरो है, वो आपको वहाँ पे मिलेंगे, जिसके द्वारा आप ये यात्रा तय कर सकते हो, क्योंकि वो 30 रुपये पर व्यक्ति लेते हैं। 5 किलोमीटर की दूरी आपको आधे से 1 घंटे के अंदर पहुँचा देते हैं। तीसरा जरिया है अगर आप दोस्तों ट्रैकिंग करना चाहते हो, तो ट्रैकिंग करने के लिए आप पैदल भी यहाँ पे आ सकते हो। पैदल गौरीकुंड के लिए आप अगर आप आओगे तो आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे 5 किलोमीटर के लिए, तो आप पैदल भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। दोस्तों अब हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। गौरीकुंड में ही एक गौरी माता का मंदिर है जिसके भी आप दर्शन कर सकते हो यहाँ पहुँच कर। दोस्तों सोनप्रयाग के लिए अगर आप बाई टैक्सी जाते हो तो आपको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ेगी गौरीकुंड के लिए, क्योंकि बहुत शरणार्थी उस समय पर आते हैं। तो अगर आप आना चाहते हो, अगर आप लाइन नहीं लगाना चाहते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 से 4 बजे मॉर्निंग में उठ के जल्दी वहां से निकले सोनप्रयाग से, ताकि आपको जल्दी टैक्सी मिल जाए और आप गौरीकुंड पहुंच जाए। दोस्तों अगर आप जल्दी गौरीकुंड पहुंचते हैं तो गौरीकुंड से केदारनाथ की जो दूरी है वो तकरीबन 16 किलोमीटर है। अगर आप जल्दी पहुंचेंगे गौरीकुंड तो शाम तक आप केदारनाथ जल्दी पहुंच सकते हो। गौरीकुंड में आपको खाने पीने की व्यवस्था पूरी मिल जाएगी, नाश्ता अगर आप खाना खाना चाहते हो तो वो भी आपको पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। गौरीकुंड से बाई खच्चर जाना चाहते हो तो आपका जो किराया है वो 200 रुपये कम हो जाता है, 2300 रुपये किराया है केदारनाथ के लिए। और अगर आप सोनप्रयाग से बाई खच्चर केदारनाथ जाना चाहते हो तो वहाँ से 2500 रुपये है, तो ये 200 रुपये कम हो जाता है। दोस्तों आपको पिट्ठू की सुविधा भी वहाँ से मिल जाती है गौरीकुंड से, जिसका किराया आपको 5 से 6 हज़ार रुपये पर पर्सन वन साइड के हैं, जो आपको वहाँ पे करने पड़ते हैं। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा। अगर दोस्तों हम केदारनाथ से अगर गौरीकुंड से अगर हम पैदल यात्रा शुरू करते हैं तो रास्ते में हमें एक लाठी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे अपनी जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है, थोड़ी सी हमें चढ़ने में मदद मिलती है, जो हमें गौरीकुंड से ही हमें बाय करनी पड़ेगी। जो 30 रुपये की एक लाठी है वो हमें मिलेगी गौरीकुंड से। गौरीकुंड से वो लाठी लेकर हम चढ़ाई करेंगे और चढ़ाई हमारी थोड़ी सी उस लाठी के सहारे से आसान हो जाएगी। सो दोस्तों एक लाठी आप गौरीकुंड से जरूर ले लीजिएगा, जिसका किराया आपको 30 रुपये पड़ेगा, जो लाठी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप पैदल चढ़ाई नहीं करना चाहते हो, आपको स्वास्थ्य खराब है, या आपको चढ़ने में प्रॉब्लम है, या सांस में प्रॉब्लम आती है, तो दूसरा जो रिकमेंड है वो आपको मैं करूँगा भाई हेलीकॉप्टर। आप हेलीकॉप्टर भी चढ़ाई कर सकते हो। हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो केदारनाथ के लिए तो आपको सोनप्रयाग भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सोनप्रयाग से 10 किलोमीटर पहले एक आपको सिटी आएगी, छोटा सा गांव आएगा जिसका नाम है पाटा। वहां से आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, पाटा से आसानी से हेलीकॉप्टर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप भीड़ वाले समय पे जा रहे हो, जून जुलाई में जा रहे हो या मई जून में जा रहे हो, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से आपको हेलीकॉप्टर की जो टिकट है वो तुरंत नहीं मिल पाएगी, ऑफलाइन नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी अपनी यात्रा शुरू करें उसके 1-2 दिन पहले, यानी आप सोनप्रयाग जिस दिन पहुंचने वाले हो उसके 1-2 दिन पहले आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग जो है वो आप हेलीकॉप्टर की करवा लें, ताकि आपको हेलीकॉप्टर आसानी से वहां से मिल जाए और आप सीधा 5 मिनट के अंदर केदारनाथ पहुंच सके। तो दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो ऑनलाइन करवाना चाहते हो तो ऑनलाइन बुकिंग के लिए ये साइट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, pavanhans.co.in। इस साइट के माध्यम से आप ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी आप करवा सकते हो पहले, क्योंकि ऑफलाइन जो है वो आपको बहुत रेयर चांस है कि आपको वहाँ पे ऑफलाइन टिकट मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ऑफलाइन टिकट के लिए आपको वहाँ पे 1 दिन वेट करना पड़ सकता है। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं पैदल यात्रा। अगर आप पैदल यात्रा चढ़ाई करते हो तो जिस व्यू के लिए आप यहाँ पे आए हो, जिस व्यू को देखने के लिए आप यहाँ पे पहुँचे हो, वो व्यू आपको रास्ते में नज़र आएगा। जो बर्फ़ की चादर है, जो पहाड़ों की वादियाँ हैं, जो वाइट पहाड़ है, वो आपको देखने को बीच बीच में मिलते रहेंगे।
साथ ही साथ मंदाकिनी नदी के ऊपर पुल बने हुए हैं, उनका नजारा भी आपको रास्ते में देखने को मिलेगा, जो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं, ये पुल का नजारा भी आपको रास्ते में देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप फोटोशूट में इंटरेस्ट रखते हो, अपनी वीडियो बनाने में इंटरेस्ट रखते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पैदल यात्रा करें, क्योंकि पैदल यात्रा में जो व्यूज आपको देखने को मिलेगा वो शायद आपको हेलीकॉप्टर में ना देखने को मिले, क्योंकि रास्ते में जो पुल आपको मिलेंगे, जो पहाड़ों का व्यू आपको मिलेगा, जो सुंदरता आपको मिलेगी, जो प्रकृति की सुंदरता वो आपको देखने को मिलेगी, वो आपको पैदल यात्रा में ही मिलेगी। और दोस्तों रास्ते में आपको अलग अलग व्यूज देखने को मिलेंगे, अलग अलग रास्ते, पुराने रास्ते आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको 2013 के अंदर जो त्रासदी हुई थी, जो रास्ते थे जो बह गए थे, वो रास्ते भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और रास्ते में जैसे आप चलते जाओगे तो आपको चाय नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए आपको बीच बीच में होटल्स मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ जगह जगह आपको वॉशरूम भी मिलेंगे, जगह जगह आपको फर्स्ट एड सेंटर भी मिलेंगे, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वहाँ पे आपको मेडिकल सुविधा भी मिल जाएगी। दोस्तों ये आपके स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये यात्रा जो 16 किलोमीटर की यात्रा है कितने टाइम में आप तय करते हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्पीड से चलते हो और कहीं आप रुकते नहीं हो तो आपको ये यात्रा तकरीबन आप 7 से 8 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। तो दोस्तों रास्ते में अपने को केदारनाथ मंदिर के 1 किलोमीटर पहले मिलेगा बेस कैंप, जहाँ पे हमारी ठहरने की, खाने की, पीने की व्यवस्था अपने को पूरी मिलेगी, और जिसके लिए हम बुकिंग कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। GMVN से आप बुकिंग कर सकते हो, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसके द्वारा आप वहाँ के बेस कैंप बुक कर सकते हो। तो दोस्तों 3 तरीके हैं वहाँ पे रुकने के, जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो मैं करता हूँ बेस कैंप के बारे में, जो आपको टेंट वहाँ पे मिल जाएंगे, उन टेंटों में 10 बिस्तर लगे होते हैं, एक बिस्तर का जो चार्ज है पर डे पर पर्सन का 300 रुपये का चार्ज है, जो आपको बेस कैंप में मिल जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है दोस्तों हट में, जो हट हमें वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, जिसका किराया है पर व्यक्ति 750 रुपये पर पर्सन के लिए, और वो कंबाइंड में हमें बेड मिलता है 3 पर्सन का 2 पर्सन का, जिसमें हमें शेयर करना पड़ता है और वो वहाँ पे आसानी से मिल जाता है। तीसरे ऑप्शन में अगर मैं बात करता हूँ तो वो है अपना होटल्स या गेस्ट हाउस जिसे हम कह सकते हैं। होटल तो हमें ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है होटल्स की वहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन की सुविधा है नहीं। तो अगर आप तीसरा ऑप्शन अगर ढूंढना चाहते हो तो जस्ट मंदिर के सामने आपको होटल्स या जो गेस्ट हाउस है वो आपको मिल जाएंगे, जिसका किराया समथिंग 4000 रुपये के समथिंग आपको एक रूम का किराया पड़ेगा, जिसमें हम 5 से 6 पर्सन रुक सकते हैं। दोस्तों अगर आप टेंट में रुकते हो तो वहाँ पे आपको अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जो मिल जाएगा, जो गवर्नमेंट का है, जिसमें आपको थाली मिल जाएगी 300 रुपये पर पर्सन, और अगर आप नाश्ता करते हो तो 100 रुपये पर पर्सन आपको नाश्ता मिल जाएगा, जैसे गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा वो रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको सारी सुविधा मिलती है खाने पीने की। दोस्तों अगर आप मई जून में जाते हो तो आपको वहाँ पे रूम मिलने की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है और भीड़ में आपको रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप टेंट की या हट की अगर बुकिंग करना चाहे तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं GMVNonline.com से, तो ये वेबसाइट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो इस पे जाकर आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप बेस कैंप में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आप जल्दी उठिए मॉर्निंग में 5 बजे उठ के, और आप जल्दी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि केदारनाथ के जो कपाट है वो 9 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप मई जून के सीज़न में आ रहे हैं तो आपको वो लाइन काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, जिसमें आपका नंबर है वो 2 घंटे 3 घंटे में भी आ सकता है। सो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के लाइन में लगे, अगर मई जून में आ रहे हो तो, और अगर आप सितंबर अक्टूबर में आ रहे हो तो आपको दर्शन करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ बहुत कम होती है। जब आप दर्शन करने जाओगे तो आप मंदिर के पीछे देखोगे कि बहुत बड़ा शिला है, और शिला आपको देखने को मिलेगा, एक ही शिला मिलेगा, लेकिन उसके नीचे एक शिला और है, 2 शिला आए थे, त्रासदी हुई थी 2013 में, उन्हीं शिला की वजह से वो पानी 2 भागों में कटकर और मंदिर का बचाव किया उन्हीं शिला ने, और वो पानी 2 भागों में निकल गया, और वो शिला भी आपको देखने को मिलेगी जस्ट मंदिर के बैक साइड में। कहा जाता है कि इस पत्थर के आने की वजह से जो पानी का बहाव था वो 2 भागों में बट गया, और 2 भागों में बटने की वजह से मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। और दोस्तों आज इस शिला की जो पूजा है, भैरू जी है, भैरू शिला के रूप में इसे पूजा जाता है, भैरू शिला के रूप में इसकी पूजा की जाती है। सो दोस्तों आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हो तो आपको शाम को 5 बजे के बाद नज़दीक से दर्शन नहीं करने दिया जाता। अगर आप दर्शन नज़दीक से करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सुबह जल्दी उठ के 5 बजे आप दर्शन करें, ताकि आप नज़दीक से ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएं। तो अगर आरती की मैं बात करूं तो सुबह 6 बजे मॉर्निंग में आरती होती है, सुबह की आरती, और शाम को आरती होती है शाम को 6 बजे।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि टोटल कुल खर्चा अपना कितना आएगा। तो वो टोटल खर्चा जो है वो आपको मैं बता देता हूँ कि खर्चे को मैंने तीन भाग में बांटा गया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप गौरीकुंड से पैदल यात्रा करते हो और गौरीकुंड से केदारनाथ, केदारनाथ से वापस आप गौरीकुंड आते हो, तो आपका लगभग किराया जो है वो 3,000 रुपये आपका लग जाएगा। ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आंकड़ा आपको ऑफ सीजन का बता रहा हूँ। अगर आप सीजन में आते हो तो यही आंकड़ा बढ़कर आपका 3,000 से 5,000 रुपये हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि अगर आप घोड़ा खच्चर लेके अगर आप केदारनाथ से यात्रा करते हो, केदारनाथ की यात्रा करते हो, तो यही खर्चा आपका ऑफ सीजन में 7,000 रुपये हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो मैं बात करता हूँ, आप हेलीकॉप्टर से अगर आप केदारनाथ की यात्रा करते हो तो इसी का किराया आपको बढ़कर 10,000 रुपये तक हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपनी केदारनाथ यात्रा का पूरा कंप्लीट विवरण। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे ऐसी बहुत सी वीडियो में लेके आता रहूंगा आपके लिए। दोस्तों नई वीडियो के साथ आज की यात्रा यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।